और देखिए इसे लेकर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा फिर लाल चौक पहुंचते हैं, जहां पर अजय लाल हमारे संवाददाता मौजूद है। अजय, देखिए रामनवमी का त्यौहार है, आज शोभा यात्रा निकलेगी, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए ऐसा, इस वक्त राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक के पास मैं मौजूद हूँ। अब से कुछ घंटे बाद यहाँ आपको राम भक्तों का सैलाब दिखाई पड़ेगा। हमारे सहयोगी राजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सड़कों पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। रांची नगर निगम के लोगों ने पूरी तरह से सड़कों को फॉगिंग करके सड़कों को धोया है और उसके बाद पूरा का पूरा राम भक्तों की टोली आपको इस वक्त दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ से पूरी तरह से इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक के पास का नजारा अद्भुत होता है और यहीं से तमाम भक्त तपोवन मंदिर की तरफ जाते हैं। पूरी राजधानी रांची में आज सब कुछ भगवान राम संभालेंगे, बजरंग बली संभालेंगे। पुलिस की व्यवस्था बेशक है, लेकिन पूरी व्यवस्था राम भक्तों के जिम्मे रहती है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तमाम जगहों पर पंडाल लगे हुए हैं, तमाम लोगों ने अपनी सेवा इस रामनवमी के मौके पर भक्तों की आने वाली टोली को देने के लिए समर्पित कर रखा है। तमाम जगहों पर व्यवस्था है, तमाम जगहों पर भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्था है। सड़क बिल्कुल राम भक्तों के लिए तैयार है और अब से थोड़ी देर बाद जब राम भक्तों की टोली विभिन्न जुलूस के माध्यम से आएंगे तो अद्भुत नजारा होगा। और इस वक्त इस बार का रामनवमी इसलिए भी ऐतिहासिक है कि अयोध्या में 550 सालों के बाद भगवान राम विराजे हैं, रामलला विराजे हैं। उत्साह दोगुना है, उत्साह चौगुना है, इंतजार है राम भक्तों के आने का, पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। जी चलिए आज बने रहे हमारे साथ, अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो कि चोटिया राम मंदिर में मौजूद है। राजेश, रामनवमी का अवसर है, शोभा यात्रा निकाली जाएगी आज, क्या कुछ जो तैयारी चल रही है, कैसी जो व्यवस्था की गई है, नजारा कैसा है वहां का? देखिए, चुटिया का राम मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर रहा है और यहाँ पर सनातन धर्मियों की एक बड़ी जमात है। हर पर्व त्यौहार जो हिंदू धर्म का होता है वो यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। हम अपने कैमरामैन कौशल के माध्यम से दिखा रहे हैं ये राम मंदिर परिसर में, जहां हवन कार्य तो हो गए क्योंकि नवरात्र का आज समापन भी था और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 4 बजे के आसपास शोभा यात्रा निकलेगी। अभी यहां पर भंडारा चल रहा है, हम अपने कैमरामैन से कहीं इधर दिखाएं, भंडारा का ये दृश्य दिखाएं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये भंडारा का दृश्य चल रहा है। यहाँ पर 4 बजे के लगभग भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और जो तपोवन मंदिर तक पहुँचेगी। हमारे साथ हैं यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उनसे राम मंदिर के अध्यक्ष हैं चुटिया राम, ये इनसे जानेंगे। यहाँ पर चूंकि राम नवमी है, आरंभ से यहाँ पर प्राचीन समय से दशकों से यहाँ पर बड़ी शोभा यात्रा निकलती, आज क्या इंतजाम किया है आपने? देखिए, ये प्राचीन श्री राम मंदिर चुटिया, ये 9 दिनों का हम लोग चैती दुर्गा पूजा सतचंडी महायज्ञ यहाँ पर आरंभ किए थे, तो 9 दिन 9 दुर्गा का पूजन हम लोग यहाँ पर किए। आज नवमी का पूजन हुआ और 5 विद्वान पंडितों द्वारा चंडी पाठ 101 बार किया जाता है उस समय से लेके आज तक, तो आज पूर्णाहुति था। अभी हम लोग हवन किए सारे लोग और ठीक 12 बजे ये श्री राम मंदिर 1685 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इससे प्राचीन राम मंदिर इस इलाका में कोई नहीं है, तो इस राम मंदिर का ठीक 12 बजे हम लोग चलिए राम जन्मोत्सव। फिलहाल बने रहिए आपके पास, हम लौटेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, शहनवाज कैसा नजारा वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं इस एक ऐतिहासिक जगह पर हूँ जो फोकल प्वाइंट है शोभा यात्रा रामनवमी का, और ये है महावीर प्राचीन महावीर मंदिर, महावीर चौक, अपर बाजार, रांची। आप देखें उसका द्वार है, यहीं से
1929 में महावीरी जुलूस यानी शोभा यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई थी। और ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, जहां पर आज आप देख रहे हैं तमाम जो लोगों का आकर्षण है वो यहीं पर है। पंडित शारदा प्रसाद उपाध्याय पूजा करवा रहे हैं यहाँ पर। जो भी पूजा की सामग्री लोग लेकर के आ रहे हैं पंडित जी के हाथ में ही देते हैं। और यहीं से लगभग एक घंटे के बाद पूजा शोभा यात्रा के लिए यहाँ पर लोग निकलेंगे और शोभा यात्रा जो है यहीं से आरंभ हो जाएगी। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कितने सारे भक्त हैं यहाँ पर। आप भक्तों से हम एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे। बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम चौनो से आए हैं जी। बताइए कुछ लोग, बताइए यहाँ क्या कौन सा जगह है। यहाँ बहुत दिनों से, पुराने काल से यहाँ पर महावीर मंडल का यानी जुलूस निकलता है। यह भव्य मंदिर है यहाँ, है ना, यहीं पर। पंडित शारदा प्रसाद उपाध्याय जी का स्वागत है। शहनवाज राजेश और राजा बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।